हेलो गाइस, वेलकम टू मेकिंग लिदना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजाइन रिलेटेड वीडियोस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक सोशल मीडिया एंगल में हमको फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। तो पहला जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो है बर्जर पेंट्स का तरफ से। बर्जर पेंट्स क्या है, एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो बहुत ही जल्दी से 6 ईयर्स में 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू टर्नओवर दिखा रहा है। और बर्जर पेंट्स का ऑलरेडी कोलकाता का आसपास एरिया में 2 प्लांट है, रिश्रा में और एक आप एक जगह में है। अभी नया एक ग्रीन फील्ड प्लांट बर्जर पेंट्स बनाने जा रहा है पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क का ऊपर। तो पानागढ़ से इंडस्ट्रियल पार्क बहुत ही जल्दी बिग आपका बूस्ट मिला है और उसका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज का भी लिस्ट बहुत ही जल्दी से बढ़ रहा है। अभी ये पानागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो बर्जर पेंट्स है वो करीब करीब आपका 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरा जो आपका रिश्रा और सिंगूर में है जो बर्जर पेंट्स का फैक्ट्री है उसका भी एक्सपेंशन का काम आपका 200 करोड़ का होगा। तो टोटल हम लोग देख सकते हैं 600 करोड़ का एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हम लोगों का वेस्ट बंगाल का केमिकल सेक्टर में आ रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज आ रहा है IOCL का तरफ से, इंडियन ऑयल का तरफ से। पूर्व मेदिनीपुर जो खड़गपुर जो हल्दिया का एरिया है उस जगह में IOCL उसका रिफाइनरी का एक्सपेंशन का काम करेगा। इससे करीब करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और जिसके लिए आसपास का एरिया और आपका बहुत सारा कर्मसंस्थान भी मिलेगा। तो मोरोवर जो वेस्ट बंगाल का जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बोल सकते हैं, हिमाद्री केमिकल्स बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत ही आपका इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट न्यूज़ है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है जो है स्मार्ट सिटी न्यू टाउन का तरफ से। स्मार्ट सिटी न्यू टाउन में ऐसा एक इंटरनेशनल बस टर्मिनस प्लान कर रहा है, 9.48 एकड़ का होगा और GS7 टावर्स भी होगा उसमें। तो ये जो इंटरनेशनल बस टर्मिनस है उसमें आपका होटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल स्केल आपका होटल, बैंक्वेट, बस टर्मिनस, पार्किंग, कार पार्किंग, एवरीथिंग फैसिलिटी होगा। और हिटको इसका प्लान कर रहा है। तो बहुत ही जल्दी कोलकाता में न्यू टाउन एरिया में हम लोग एक बिग इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और न्यू टाउन एरिया में और भी बहुत बिग बिग प्रोजेक्ट्स हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ऑर्बिट बोल के एक आपका कमर्शियल बिजनेस और रिटेल स्पेस हो देखने जा रहा है एक्शन एरिया 2 में, नियर टू इको स्पेस एरिया। तो इस जगह में ऐसा एक आपका स्पॉट होना भी बहुत ही बिग इन्वेस्टमेंट है। और नियर टाइम्स में इंडियन रेलवे का तरफ से मालदा टाउन जो स्टेशन है उसका भी जो रिनोवेशन और रिनोवेट करेगा, तो कुछ ऐसा टाइप का मालदा टाउन स्टेशन होगा। उसके बाद नॉट ओनली मालदा टाउन, आसानसोल का जो स्टेशन है उसका भी रिनोवेशन का काम करेगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा। तो ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हम लोग ये देख सकते हैं। और जो रिसेंट टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्टेशन का रिडेवलपमेंट का काम कर रहा है, इसमें भी वेस्ट बंगाल का भी बहुत स्टेशन का नाम आया है। और जब हम कोलकाता में आएंगे न्यू टाउन एरिया में जो फिनटेक हब है उस जगह में आप लोग देख सकते हैं SBI, यूको बैंक, जो फिनटेक एरिया में यूको बैंक छोड़ के भी आपका बंधन बैंक का जो बिल्डिंग हो रहा है, उसके साथ आपका हिटको भी मल्टी लेवल कार पार्किंग स्टेशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक हब कोलकाता का न्यू टाउन एरिया में जो फिनटेक हब कोलकाता हो रहा है वो बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारा फिनटेक फिनटेंशियल कंपनीज इन्वेस्ट कर रहा है जो वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग है। अभी अंबुजा नियोटिया एंड द पार्क होटल मिलके ईएम बस बाईपास एरिया में एक बिग स्काई स्कैपर्स बनाएगा जो होटल एंड अदर प्लेसेस के लिए काम करा जाएगा। तो इस टाइप का एक स्काई स्क्रैपर हम लोग ईएम बाईपास एरिया में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पीआरएलएस का तरफ से,
पीआरएलएस जो ग्रुप है वो बहुत ही जल्द इन्वेस्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल में, हेल्थ केयर में बहुत ही जल्द इन्वेस्ट करेगा पीआरएलएस ग्रुप। तो पीआरएलएस ग्रुप इन वेस्ट बंगाल में आपका बिग इन्वेस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक बिग न्यूज़ देख सकते हैं, ताजपुर पोर्ट से एक अपडेट आया है। ताजपुर पोर्ट जो अदानी जो गोष्ठी ताजपुर में इन्वेस्ट कर रहा है उसका ऊपर से हम लोगों का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है शशि पाजा जी, उसने एक बिग अपडेट दिया है। तो नियर फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं 3-4 ईयर्स का अंदर ही जो ताजपुर पोर्ट का जो एक फास्ट टर्मिनल है वो आपका ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे वेस्ट बंगाल का जो पोर्ट सेक्टर है तो 3 बिग पोर्ट वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, एक कोलकाता, हल्दिया एंड ताजपुर, जिससे वेस्ट बंगाल का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसलिए बहुत ही ज़्यादा बिग इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पर्सिस्टेंट सिस्टम बोल के एक बिग आई टी कंपनी कोलकाता में पहला ऑफिस गोदरेज जेनेसिस बिल्डिंग में स्थापना किया है, जो सेक्टर 5 और कोलकाता का आईटी सेक्टर के लिए बिग इन्वेस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक बिग न्यूज आ रहा है, वो क्या है, वो है जो सियालदा रेलवे स्टेशन है उसका भी एक रिनोवेशन का काम कर रहा हो रहा है, जो सियालदा को आपका बहुत ही बूस्ट देगा। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं जो सिंगूर एरिया है, सिंगूर एरिया में हम लोग जो ट्रेडर्स बॉडी है वो एक वेजिटेबल मार्केट, एक बिग प्रोफेशनल वेजिटेबल मार्केट और ग्रीन वेजिटेबल मार्केट टाइप का कुछ बनाने जा रहा है, जिसमें रिटेल स्टोर होगा, बुक होगा, बहुत ही एडवांस टाइप का होगा। तो सिंगूर एरिया में भी हम लोग 750 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का प्लान हम लोग सामने देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के वीडियोज के लिए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।